गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग कुछ अव्ययों के अनुवाद के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे और उसमें यहाँ पर विशेष रूप से की का अनुवाद कैसे होता है उसके विषय में जानेंगे। की के अंतर्गत ही चूंकि की हिंदी में जो आता है वह दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए आता है और वह विभिन्न अर्थों में प्रयोग किया जाता है। हिंदी और उर्दू से जब हम नरेशन का निर्माण करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो कामा इन्वर्टेड कामा हटा के बीच में की लगा देते हैं, न टेंस बदलते हैं, न प्रोनाउन बदलते हैं और न ही वाक्य की रचना बदलते हैं। लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। अंग्रेजी में प्रोनाउन बदलना पड़ता है, टेंस बदलना पड़ता है और वाक्य की रचना बदलनी पड़ती है और की के बहुत सारे अर्थ के अनुसार उसकी अंग्रेजी डाली जाती है। तो वही यहाँ दिया गया, पहले चेंज ऑफ पर्सन यानी की के बाद जो पर्सन आया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसमें किस प्रकार का परिवर्तन होगा यहाँ दिखाया गया। की का अनुवाद चेंज ऑफ पर्सन, रूल नंबर एक, की के बाद आने वाले प्रोनाउन का अनुवाद सोच समझ कर करना चाहिए। हिंदी में की के बाद आने वाले प्रोनाउन का प्रयोग यानी नरेशन वाले पार्ट के अंतर्गत सोच समझ कर करना चाहिए। कारण यह है कि की के बाद आने वाला मैं का अनुवाद सदैव आई नहीं होता है और इसी प्रकार तुम का अनुवाद सदैव यू नहीं होता। कारण कि हमें की के बाद आने वाले फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को और सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को सोच समझ करके बदलना चाहिए। इसलिए कि की के बाद आने वाला फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जैसे आई है, आई, वो सदैव आई नहीं रहता, वी सदैव वी नहीं रहता और यू सदैव यू नहीं रहता। जैसे राम ने सोहन से कहा कि मैं जाऊंगा, राम ने सोहन से कहा कि मैं जाऊंगा और दूसरा है मोहन ने सोहन से कहा कि तुम जाओगे, मोहन ने सोहन से कहा कि तुम जाओगे और तीसरा है मोहन ने सोहन से कहा कि वह जाएगा। यानी तीनों तीन तरह के वाक्य हैं। पहला है राम ने सोहन से कहा कि मैं जाऊंगा, दूसरा मोहन ने सोहन से कहा कि तुम जाओगे, तीसरा मोहन ने सोहन से कहा कि वह जाएगा। यहां पहले वाक्य में के बाद मैं आया है, यहां पहले वाक्य में की के बाद मैं आया है, दूसरे में तुम और तीसरे में वो। यहां पहले वाक्य में की के बाद मैं आया है, दूसरे में तुम और तीसरे में वो। अंग्रेजी अनुवाद में वह के लिए ही आएगा, अंग्रेजी अनुवाद में वह के लिए ही आएगा, पर मैं का अनुवाद आई और तुम का अनुवाद यू नहीं होगा। यानी यहां कहा है कि अंग्रेजी अनुवाद में वो अकेले तो आप ही लिखिए, लेकिन मैं का अनुवाद आई और तुम अनुवाद यू नहीं होगा। आप जानते हैं कि मैं का अनुवाद आई होता है और तुम का अनुवाद यू होता है, इसलिए आप झट से इन वाक्यों में मैं के जगह पर आई लिख देंगे, तुम के जगह पर यू लिख देंगे, लेकिन ऐसा करना गलत होगा। यहां मैं और तुम दोनों का अनुवाद होगा ही, ऐसा अनुवाद इस नियम के अनुसार होता है। यानी नीचे नियम दिया गया है कि आखिर मैं के जगह पर ही क्यों लिखेंगे, तुम के जगह पर भी ही क्यों लिखेंगे। नीचे दिया है फर्स्ट पर्सन बराबर सब्जेक्ट, आगे डिटेल में समझाया जाएगा। यानी फर्स्ट पर्सन मैं और हम लोग अगर आया है तो कैसे बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सेकेंड पर्सन आया है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे और अगर की के बाद थर्ड पर्सन आया तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी फिर यही ध्यान से देख लीजिए, नियम यह है कि की के बाद अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल दीजिए। यानी सब्जेक्ट के अनुसार मतलब उसका नंबर, पर्सन और जेंडर, यानी सब्जेक्ट का नंबर, पर्सन, जेंडर क्या है उसके अनुसार परिवर्तित कीजिए। और की के बाद अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया तुम,
तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के नंबर पर्सन और जेंडर के अनुसार बदल दीजिए। थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका अर्थ यह है कि की के बाद यदि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया है तो वह रिपोर्टिंग वर्ब जैसे कहा के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। यानी इसका मतलब यह है कि अगर की के बाद फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जैसे मैं आया है तो वह रिपोर्टिंग वर्ब कहा के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा, और यदि सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आया है तो रिपोर्टिंग वर्ब जैसे कहा के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। परंतु यदि की के बाद थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आया हुआ है तो वह ज्यों का त्यों रहेगा। यानी की के बाद आने वाले थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के अंतर्गत कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ज्यों का त्यों रह जाता है। इस नियम को आप यस ओ एन फार्मूला भी कर सकते हैं। यानी इस नियम को आप यस ओ एन फार्मूला भी कह सकते हैं। यस का अर्थ है सब्जेक्ट, ओ का अर्थ है ऑब्जेक्ट, और एन का अर्थ है नॉन या नो चेंज। यानी वह कहना यह चाहता है कि अगर की के बाद फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलिए, की के बाद अगर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आया है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलिए, और की के बाद अगर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आया है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस नियम का ध्यान में रखकर आप ऊपर दिए गए तीनों वाक्यों का अनुवाद करें। कारा इस नियम को ध्यान में रखकर आप ऊपर दिए गए तीनों वाक्यों का अनुवाद करें। आप देखते हैं कि पहले वाक्य में की के बाद फर्स्ट पर्सन मैं आया हुआ है। यानी इस वाक्य में आप देख रहे हैं कि की के बाद मैं आया हुआ है, इसलिए यहां मैं रिपोर्टिंग वर्ब कहा, यानी यहां जो मैं है यह रिपोर्टिंग वर्ब कहा के सब्जेक्ट यानी राम के अनुसार जो थर्ड पर्सन में है बदल जाएगा। कारक इसमें आप देख रहे हैं, इस नियम को ध्यान में रख करके तीनों वाक्यों का अनुवाद करें। पहले वाक्य में की के बाद फर्स्ट पर्सन आई आया है, इसलिए यहां मैं रिपोर्टिंग वर्ब कहा के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब कहा का सब्जेक्ट है राम, राम क्या है थर्ड पर्सन है, क्योंकि सभी प्रकार के नाउन सदैव थर्ड पर्सन में रहते हैं। यानी सभी प्रकार के जितने भी नाउंस होते हैं राम श्याम सीता इत्यादि वो थर्ड पर्सन में होते हैं, इसीलिए यहां मैं का अनुवाद होगा ही न कि आई। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में की के बाद तुम आया है, यानी दूसरा वाक्य देख रहे हैं की के बाद तुम आया है, तुम जो सेकेंड पर्सन में है, इसलिए यहां तुम रिपोर्टिंग वर्ब कहा के ऑब्जेक्ट यानी सोहन के अनुसार, ये सोहन ऑब्जेक्ट है उसके अनुसार बदल देंगे। कहा कि ऑब्जेक्ट सोहन के अनुसार बदल जाएगा, या रिपोर्टिंग वर्ब कहा का ऑब्जेक्ट सोहन थर्ड पर्सन में है, इसलिए तुम का अनुवाद यहां ही होगा, यू नहीं। तीसरे वाक्य में की के बाद वह आया है जो थर्ड पर्सन में है, अतः यहां वह का अनुवाद ही होगा। और इस प्रकार तीनों वाक्यों का अनुवाद निम्न अनुसार कर देंगे। अब पहले यहां देख लीजिए कहना क्या चाहता है, ट्रांसलेट करना है तो नियम यह है कि कहेगा कि की के बाद अगर यह फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया हुआ है, इसको इस रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग वर्ब है इसके सब्जेक्ट के अनुसार बदल दीजिए। यानी की के बाद अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया है जैसे यहां मैं आया है, इसको ये कहा रिपोर्टिंग वर्ब कहा है कि सब्जेक्ट के अनुसार बदल दीजिए, सब्जेक्ट के स्थान पर राम आया है और नाउन सदैव थर्ड पर्सन में होता है,
तो इसलिए इसका ट्रांसलेशन आप लिखते समय ऐसे लिखेंगे, राम टोल्ड सोहन, राम टोल्ड सोहन दैट, की के लिए दैट ही वुड गो, आई नहीं लिखेंगे, राम के अनुसार लिखेंगे ही वुड गो। और दूसरा नियम बताया गया है, मोहन ने सोहन से कहा कि तुम जाओगे, तो दूसरा नियम यह है कि यदि की के बाद सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आया हुआ है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलिए। यहां दिया मोहन ने सोहन से कहा तुम जाओगे, तुम क्या है, सेकेंड पर्सन है, इसको कहा जा रहा कि तुम, इस रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलिए, ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या है सोहन, और सोहन जो है वह एक व्यक्ति का नाम है तो वह थर्ड पर्सन में है, और थर्ड पर्सन सोहन के लिए आप यू के जगह पर यानी तुम के जगह पर आप यहां यू नहीं लिखेंगे ही लिखेंगे, इसका अंग्रेजी हो जाएगा मोहन टोल्ड सोहन दैट ही वुड गो, मोहन टोल्ड सोहन दैट ही वुड गो। और तीसरा नियम यह है कि मोहन ने सोहन से कहा कि वह जाएगा, की के बाद वह थर्ड पर्सन आया है तो इसलिए कोई परिवर्तन नहीं होगा, वह की अंग्रेजी ही लिख देंगे, इसका अनुवाद हो जाएगा मोहन टोल्ड सोहन दैट ही वुड गो। अब तीनों वाक्यों का अनुवाद इस प्रकार हो जाएगा, राम टोल्ड सोहन दैट ही वुड गो, राम टोल्ड सोहन दैट ही वुड गो, और दूसरा मोहन टोल्ड सोहन दैट ही वुड गो, मोहन टोल्ड सोहन दैट ही वुड गो, और तीसरा हो जाएगा मोहन टोल्ड सोहन दैट ही वुड गो, मोहन टोल्ड सोहन दैट ही वुड गो। यानी चेंज ऑफ पर्सन में मुख्य रूप से आपने तीन बातें देखा कि की के बाद अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल दीजिए, और की के बाद अगर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आया है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल दीजिए, और अगर की के बाद थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आया है तो थर्ड पर्सन रहने दीजिए, कोई उसमें परिवर्तन नहीं होगा। शेष अगले वीडियो में, थैंक यू।